नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप 10 न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस अवसर पर पीएम मोदी को दी हार्दिक शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कई तरह के खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को रिहा करेंगे। 26/11 आतंकियों के हैंडलर को वैश्विक आतंकी घोषित करने पर चीन की रोक, अमेरिका ने रखा था प्रस्ताव। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने बताया कि एम्स में अगले महीने से ओपीडी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। 61% भौतिक कार्य पूरा हुआ। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में कांस्टेबल अध्यापक समेत 3 लोग गिरफ्तार, 10 दिन की रिमांड पर लिया गया। कृषि उत्पादन विभाग द्वारा बताया गया कि जम्मू कश्मीर में ए हेल्प कार्यक्रम अक्टूबर में होगा शुरू, प्रभावी बनने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।